अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हम दो हमारी तीन। आज है संडे इवनिंग की 4 o'clock हो रही, तो मैं अब व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो कुछ बाहर का भी आपको व्यू बताऊँगी इंशाल्लाह। फिर आज हम जा रहे कोटी चाट खाने के लिए। तो कोटी में हम दूसरी जगह जा रहे, गोकुल चाट नहीं, बस दूसरी जगह जा रहे। हस्बैंड इससे पहले ही खाए थे कदे 2-4 दिन पहले, इसलिए तो हस्बैंड बोले कि बहुत टेस्टी है वहाँ का चाट, आप लोगों को लेके जाऊँगा, संडे बोल के बोल रहे थे। तो इसलिए तो हम आज हम जा रहे, टाइम भी आप लोग देख सकते हैं इवनिंग के 4 o'clock हो रहे। तो चलिए आप लोग हमारे साथ एंजॉय करिए। ओके लेट्स गो। के आज संडे है ना, ट्रैफिक बहुत पुल तो बहुत है यार, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे सिग्नल के पास हम रुके हुए हैं। तो फ्रेंड्स वहाँ हम जहाँ पे चाट खाने के वास्ते गए थे वहाँ पे चाट नहीं था, और चाट भंडार जो रहता ना वो ओपन नहीं था, क्लोज था। तो इसलिए तो हम घर को वापस आ गए हैं, चाट भी नहीं खाए। और सिटी में रश भी आज बहुत थी, बहुत क्राउड था। आज संडे था ना, तो इसलिए तो घर पे ही हम होटल से बिरयानी ला लिए। तो चलिए हम बिरयानी खा ले रहे। तो आज हम बनाएंगे अंबाड़े की भाजी की स्पेशल, आप लोगों को चटनी, अचार भी बोल सकते हैं, चटनी भी बोल सकते हैं, वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो पहले अंबाड़े की भाजी को अच्छे से मैंने तोड़ लिया है, उसके बाद 2-3 पानी से इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। ओके स्पेशल चटनी है, माशाल्लाह बहुत टेस्टी होती है, आप लोग भी ट्राई करना ये। ओके तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, ये इवनिंग नेक्स्ट डे इवनिंग का है ये। तो बहन आए थे, उनके लिए फ्रेंच फ्राइज बना रही थी मैं। तो यहाँ पे चॉप भी हो गए हैं, ऑयल भी हमारा हीट भी हो गया है। तो पहले मैं फ्राई कर लूँगी, उसके बाद रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। पहले ये बच्चों को दे दूँगी, पहले ये फ्राई करके बच्चों को दे दूँगी। चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने चूल्हे पे एक कड़े रख लिया है, उसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है 4 टेबलस्पून। उसके बाद हल्का सा हीट होते ही ऑयल 1 टीस्पून यहाँ पे ज़ीरा ऐड कर दिया है। ज़ीरा चटकते ही, हल्का सा चटकते ही मैं एक डल्ला जो है ना लहसुन का छिल के उसमें ऐड कर दिया है कलियों को। उसके बाद यहाँ पर 20 से 25 रेड चिल्ली, जो अब हम बघार के मिर्ची बोलते देखो, वो ऐड कर दिया है। वो हल्का सा चटकते ही मिर्ची भी, यहाँ पे मैंने फ्रेश अंबाड़ी की भाजी को अच्छे से वॉश करके रख लिया ना, ये भी पूरी ऐड कर देंगे।
अब हम पूरी तो इसमें एकदम नहीं आती ना, थोड़ा थोड़ा सा दबाते जाएंगे, फिर उसके बाद ऐड करते जाएंगे। हल्का सा जब प्रेस करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्ट भी ऐड कर देना रहता, सॉल्ट और मालूम रेड चिल्ली आप लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिए, क्योंकि ये अंबाड़े की भाजी ना बहुत खट्टी रहती। उसके बाद यहाँ पे हाफ ग्लास मैंने पानी ऐड कर दिया। पानी को अच्छे से ड्राई होने देंगे तो ये बहुत नरम स्मूथ होती है ये अंबाड़े की भाजी, तो इसकी चटनी भी बहुत टेस्टी होती है, खट्टी खट्टी एकदम स्पाइसी रहना ये। तो मैं ये लाल मिर्ची ज़्यादा डाली क्योंकि स्पाइसी भी होना खट्टापना भी रहना उसमें, तो बहुत टेस्टी होता है। लहसुन भी मैं अच्छा लहसुन भी मैं इसमें डाली ना, ये दो अच्छा सा ये हो गया देखो ड्राई हो गया है। थोड़ा पानी भी ऐड करी क्योंकि भाजी अच्छे से गल जाए हमारी। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्सर जार में अच्छे से हम इसको पीस लेंगे, बारीक पीस लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप मैं बताऊँगी, ये 15 डेज 1 मंथ तक भी स्टोर करके रख सकते, खा सकते, बहुत टेस्टी होती है, मगर थोड़ा ऑयल ज़्यादा डालना पड़ता बस इसमें। देखिए अच्छे से बन गया है, अब इसको ठंडा होने देंगे अपन, अब ठीक है ना, अच्छे से बन गई, ठंडा होने देंगे इसको। तो ये कड़ी में हम तड़का दे लेंगे, तो ऑयल हम मैं ज़्यादा ही ऐड करी मैं इसमें, तो ज़्यादा लगता है ऑयल, ऑयल को हम हीट होने देंगे। उसके बाद यहाँ पे अच्छे से मैं बारीक मैं पीस ली, तो यहाँ पे जीरा भी है, राई है, जीरा है, फिर चने की दाल है, करी पत्ता है। ऑयल हमारा हीट होते ही राई जीरा ऐड कर देंगे। उसके बाद करी पत्ते को भी, चने की दाल को भी ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से चटकने देंगे। जीरा राई और करी पत्ता दाल को उसके बाद ऐड कर देंगे इसे भी, अंबाड़े भाजी को अब ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे क्योंकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, ऑयल भी सेपरेट हो जाए, फिर ये भी चटनी भी हमारी अच्छे से ड्राई हो जाए। इतनी खाने में इतनी टेस्टी होती है ये, ट्राई करना आप लोग। अभी कम इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं, 1 मंथ तक स्टोर करके भी ये रख सकते हैं। इसका लुक देखिए माशाल्लाह एकदम अमेजिंग है ना, टेस्ट में भी ये बहुत मतलब बहुत टेस्टी होता है। चलिए अब ये 5 मिनट के लिए ऐसे लो टू मीडियम फ्लेम पे हम ड्राई होने के बाद से हम रख देंगे। तो साइडों से ऑयल रिलीज हो गया है माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं इतनी टेस्टी बनी चटनी है। तो ये एक कंटेनर में निकाल के हम रख लेंगे, फ्रिज में रख देंगे, 1 मंथ तक स्टोर करेंगे इसको। ओके अभी गर्मी छे अभी है, 1 साइड कितना माशाल्लाह। तो यहाँ पे देखिए एक डिश में निकाल लिया मैंने, इसका लुक देख सकते हैं आप लोग, अमेजिंग है ना एकदम। तो ये 1 मंथ तक स्टोर करके रख सकते हैं, ऑयल ऐसा रिलीज होना है, ऐसा ऑयल ऐसे ही आना है हमारे को। ओके तो आप लोग भी ट्राई करना। कर लेते हैं 6 बजे, तो मैं बहुत दिनों से 6 बजे ही डिनर कर ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरा वेट ज़्यादा हो गया है। तो चावल है उसके साथ ही अभी ये हम अचार खाएंगे माशाल्लाह, तो उसके साथ खाएंगे हम पापड़। तो चलिए अब इसके साथ हम गरम गरम खाना, अब इसके साथ हम खाएंगे माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। आ जाइए आप लोग अभी, एकदम खट्टा भी स्पाइसी भी बड़ी ना माशाल्लाह।